In this lecture, we are going to discuss two theorems. First theorem is reciprocity theorem, and the second one is compensation theorem. So, after today's lecture, we are going to complete our first chapter, that is networks theorem. So, सबसे पहले जो reciprocity theorem के बारे में हम बात करने वाले हैं, we have to consider one very much important thing that reciprocity theorem is that it does not hold for all the networks. So वो सारे नेटवर्क है उस पर हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते. सो वो कौन सी कंडीशन है जो हमें फॉलो करनी पड़ेगी, उसके बारे में भी हम इस वाले लेक्चर में पढ़ेंगे. ओके, सो वी हैव टू रिमेंबर दिस ऑल दिस कंडीशन फॉर अप्लाइंग रेसिप्रोसिटी थ्योरम. ओके, सो इन दिस लेक्चर वील एक्सप्लेन व्हाट द रेसिप्रोसिटी थ्योरम एंड गिव सम एग्जाम्पल टू मेक इट हाउ वी कैन अप्लाई दिस थ्योरम. ओके, so the statement of your reciprocity theorem, it is that if an EMF, that is E, that is electromotive force, E in one branch of your reciprocal network produces a current I in another branch, then the EMF E moved from the first to second branch, it will cause the same current in first branch where the EMF has been replaced by a short circuit. ये पूरा स्टेटमेंट है रेसिप्रोसिटी थ्योरम का. ये क्या कहना चाहता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे. सो लेट्स से हमारे पास ये सर्किट है, उसका कुछ अरेंजमेंट इस तरह का है. यहाँ पर हमने एक डीसी सप्लाई सोर्स, वोल्टेज सोर्स से नोड ए और बी के बीच में कनेक्ट किया है. जब हम ये वोल्टेज सोर्स यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, तब लेट्स से इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू है आई. ओके, सो रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहता है कि जब हमारे पास कोई वोल्टेज सोर्स है वी, और वी कैन से ई इन दिस केस, और उसकी वजह से कोई ब्रांच में जो करंट फ्लो रहा है उसकी वैल्यू है आई. सो इसको अगर मैं रिप्लेस कर दूँ एक दूसरे से, इसका मतलब जहाँ पर करंट की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है उस वाली ब्रांच में मैं अपना वोल्टेज सोर्स लगा दूँ, और जहाँ पर वोल्टेज सोर्स था अगर उस वाली लाइन को, अगर वोल्टेज सोर्स है इन दिस केस वी हैव टू शॉर्ट सर्किट, अगर हमारे पास करंट सोर्स होता इन दैट केस वी हैव टू ओपन सर्किट. सो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है इसलिए हमने क्या कर दिया, ये वाली ब्रांच को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया. सो इस ब्रांच में जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू भी आई रहेगी. ओके, तो ये है हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम कि हम ई और आई को रिप्लेस कर रहे हैं, उस केस में अगर हमारा जो दूसरा सर्किट है वो चेंज नहीं हो रहा है, उस केस में ई और आई की पोजीशन चेंज करने से ई और आई की वैल्यू चेंज नहीं होगी. ठीक है, इसको हम प्रूव करेंगे, एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे, और हम देखेंगे कि ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम है वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं. ओके, सो दो तीन कंडीशन है जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी जब हम इस थ्योरम का यूज़ करते हैं. The network where the reciprocity theorem is applied, it should be linear network. So linear network हम किसे कह सकते हैं, वो हमने superposition वाले theorem के lecture में हमने discuss किया था कि भाई homogeneous network क्या है और linear network क्या है. Okay. The circuit should not have any time varying element. यहाँ पर कोई time varying element है नहीं, यहाँ पर भी DC source है, ये यहाँ पर इंडक्टर और कैपेसिटर है नहीं, सो टाइम वेरिंग क्वांटिटी कोई भी यहाँ पर है नहीं, सो हम रेसिप्रोसिटी थियरम को यूज़ कर सकते हैं. सो इन अदर वर्ड, रेसिप्रोसिटी थियरम कैन बी स्टेटेड एज व्हेन अ प्लेस ऑफ वोल्टेज सोर्स एंड करंट इन एनी नेटवर्क्स आर इंटरचेंज द अमाउंट, और वी कैन से द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज एंड करंट फ्लोइंग इन द सर्किट रिमेन्स सेम. However, the polarity of voltage source should be identical with the direction of the branch current in each position. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर polarity plus है, यहाँ पर minus है, लेकिन जब हम इन दोनों का interchange कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं polarity minus है, यहाँ पर polarity plus है, क्योंकि हमारे जो previous case था, हमारा जो original network है उसमें current की direction ये है. सो इस वाले नेटवर्क में भी करंट की डायरेक्शन सेम रखने के लिए हमारा वोल्टेज सोर्स है उसमें यहाँ पर पोलैरिटी माइनस होनी चाहिए और यहाँ पर प्लस होनी चाहिए. सेम यहाँ पर आप वोल्टेज सोर्स को देखेंगे तो यहाँ से अगर करंट की डायरेक्शन निकाले तो ये वाले करंट की डायरेक्शन निकलेगी सोर्स की. सो लेट्स से इट इज़ आई एस, तो जब हम इन दोनों को रिप्लेस कर रहे हैं तो ये वाले करंट की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड नहीं होगी, कैसी होगी, ये अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा. ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. ऑल्सो ये वाली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट द रेसिप्रोसिटी थियरम इज़ ओनली एप्लीकेबल टू सिंगल सोर्स नेटवर्क, कि जब हमारे पास नेटवर्क में एक
वोल्टेज सोर्स या एक करंट सोर्स है तब हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। इन केस ऑफ मल्टीपल सोर्सेज वी कैन नॉट यूज रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ओके, सो विद दिस लेट ट्राई टू सॉल्व वन एग्जांपल, सो आपको ये थ्योरम है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो प्रूव रेसिप्रोसिटी थ्योरम फॉर द सर्किट शोन बिलो। ठीक है, हमारे पास ये सर्किट है, यहाँ पर हम सबसे पहले कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि हमारे पास कितने वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स है। तो यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है तो हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास कोई टाइम वेरिंग क्वांटिटी है इसमें नहीं है तो हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ई की वैल्यू हमने दी गई हुई है 45 वोल्ट। ओके, सो हम आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये रहेगा हमारा फर्स्ट स्टेप। बाद में क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे और बाद में फिर से हम कैलकुलेट करेंगे आई की वैल्यू, यह रहेगा हमारा दूसरा स्टेप। बोथ केस में हमारे करंट आई की वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हमारा नेटवर्क है वो रेसिप्रोकल नेटवर्क है और वो रेसिप्रोसिटी थ्योरम है उसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ये हमारा मेथड रहेगा सॉल्यूशन के लिए। सो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड द सोर्स करंट फॉर द सर्किट। सो यहाँ पर हमें करंट I की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये IS की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देन यहाँ पर लेट से द करंट जा रहा है उसका वैल्यू है I1 और यहाँ पर जो करंट जा रहा है उसका वैल्यू है I2। ओके, तो यहाँ पर अगर हमें पता है इनकमिंग करंट IS की वैल्यू तो आउटगोइंग करंट इस ब्रांच में चाहिए, तो हम सिंपल करंट डिवाइडर रूल फाइंड करके इस ब्रांच में कौन सा करंट I फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, ईजी है। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, तो हमें IS की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोनों सीरीज में है, सो 4+2 हो गया हमारा 6, 6 और 6, ये दोनों 6 ओम के रेजिस्टेंस है वो हो गए पैरेलल में। सो उसका क्या मिलेगा हमें, 6 और 6 का हम पैरेलल कॉम्बिनेशन से फाइंड करेंगे तो वो मिलेगा हमें 3 ओम और वो रहेगा सीरीज में 12 ओम के साथ। सो हमें टोटल R इक्विवेलेंट मिलेगा 15 ओम। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू मिलेगी हमें 15 ओम। सो हमें पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, हमारे पास वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है, सो हम IS की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी 45/53 एम्पियर। ओके, अब हमारे पास ये 3 एम्पियर वैल्यू है, सो यहाँ पर हम KCL लगाएंगे तो हमें पता है इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, सो IS इज इक्वल टू I2 + I1। ठीक है, ये टोटल करंट है तो यहाँ पर हम करंट डिवाइडर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो हम करंट डिवाइडर रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो टोटल करंट वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय द ब्रांच वेयर वी आर नॉट सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज 6 ओम डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट 4+2+6। ओके, हियर द टोटल रेजिस्टेंस विल बी 2+4, सो इट इज 6+6, दैट इज 12। Okay, so if you use current division rule, you will get the value of current I that will be flowing in this branch. Okay, so these are in series, so current in this branch will be same. So value of I will be 1.5 ampere. Okay, now to prove the reciprocity theorem, we interchange the value of E and I, which is shown in the next slide. So we are just interchanging your E, that is voltage source, and current I. Now we have shorted this terminal and we are finding the value of current in this branch. So we know now that we are interested to find the value of current I. So with respect to that, now we have to find the R equivalent. So in this case, R equivalent will be this 12 ohm and this 6 ohm will be in parallel. That will be in series with 2 ohm and 4 ohm. Okay, that will be R equivalent in this case is 10 ohm. Now once we have the value of R equivalent, अब हमारे पास हमारे वोल्टेज सोर्स की वैल्यू भी है 45 वोल्ट, सो हमें ये टोटल करंट IS की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, वो IS की वैल्यू मिल रही है 4.5 एम्पियर। अब यहाँ पर हमें KCL अप्लाई करना पड़ेगा, अब यह हमें इनकमिंग करंट की वैल्यू पता है तो आउटगोइंग क्या मिलेगा हमें, ये लेट से ये वाला है I1, ये वाला है I। ओके, यहाँ पर हमने दिया है नाम I, सो ये वाला है I1, ये वाला है I, हमें I की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, सो I इज इक्वल टू टोटल करंट IS मल्टीप्लाई बाय एज पर करंट डिवीजन, दिस विल बी I1 विल बी राइट हियर, और सॉरी R1 विल बी राइट हियर,
divided by R1 plus R2। ओके okay, अब आई एस की वैल्यू हमारे पास है, आई एस की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट की है 4.5, आर वन डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू, आर वन की वैल्यू है यस ये हो गया हमारा आर वन। ओके यहाँ पर आर टू लिखा है लेकिन हम जब यहाँ पर बात करें तो ये होगा हमारा आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू। ठीक है, मैंने जब लिखा था आई वन तब मैंने यह सोचा था कि इसकी वैल्यू आर वन है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आई टू नाम देना पड़ेगा फिर, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब नोटेशन की बात है। सो जिस ब्रांच में हमें करंट नहीं फाइंड करना है उस ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू यहाँ न्यूमरेटर में आएगी। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल। सो 6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6, सो उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो हमें मिल रही है 1.5 एम्पियर। तो फर्स्ट केस में भी हमें करंट की वैल्यू 1.5 एम्पियर मिल रही थी, सेकेंड केस में भी हमें करंट की वैल्यू 1.5 मिल रही है। उसमें से हम बता सकते हैं कि इन बोथ केसेस आवर वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल, देयरफॉर द रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज प्रूव्ड फॉर दिस सर्किट। ओके, सो आई होप आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम को हम कब यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं वो आपको पता चल गया होगा। ओके, विद दिस नाउ लेट अस स्टार्ट द सेकेंड थियरम, दैट इज द कंपेंसेशन थियरम। ओके, नाउ दिस कंपेंसेशन थियरम इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थियरम इन नेटवर्क एनालिसिस which find its application mostly in calculating the sensitivity of your electrical circuit. Now you might familiar with this term, that is the sensitivity, कि आप कोई भी value आपके पास है, input की value आपके पास है, और input की value जब आप change कर रहे हो accordingly output की value कितनी change हो रही है वो relationship है, उसको आप बोलते हो sensitivity। ठीक है, सो कंपेंसेशन थियोरम का स्टेटमेंट यह है कि द कैलकुलेशन ऑफ द करंट चेंज डेल्टा आई इन अ सर्किट में बी कैरीड आउट बाय द रिप्लेसिंग द एडेड रेजिस्टेंस डेल्टा आर बाय द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स दैट इज नथिंग बट आई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर एंड द रेजिस्टेंस डेल्टा आर वेल एट द सेम टाइम रिप्लेसिंग ऑल द सोर्सेज इन अ सर्किट बाय देयर इक्विवेलेंट इम्पीडेंसेस। अब ये पूरा कंपेंसेशन थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास ये एक सर्किट है लेट से, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है हमारे थेवेनिन की फॉर्म में। सो हमारा थेवेनिन वोल्टेज है हमारा VTH और थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है RTH और ये हो गया हमारा फिक्स सर्किट। सो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो सर्किट है हमारा फिक्स सर्किट है। ओके, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी चेंज। यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू RL ये कनेक्ट किया हुआ है, लोड रेजिस्टेंस है, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू है IL। ओके, अब मैं कंपेंसेशन थ्योरम पे आता हूँ कि कंपेंसेशन थ्योरम एक्चुअली है क्या। जब मैं RL की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, अगर उसको बढ़ा रहा हूँ अगर घटा रहा हूँ कोई भी चेंज हो सकता है, सो उसकी न्यू वैल्यू होगी RL प्लस डेल्टा R। ओके, डेल्टा R विल बी द चेंज इन द वैल्यू ऑफ योर RL रेजिस्टेंस। ओके, इसकी वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, दैट विल बी चेंज इन द वैल्यू ऑफ योर RL। अब जब मैं RL की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ अकॉर्डिंगली मेरे करंट की भी वैल्यू चेंज होगी जो इसमें से पास हो रहा है। ओके, सो जब RL डेल्टा R को मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ अकॉर्डिंगली मेरा IL दैट इज IL डैश, अब जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू होगी IL डैश। ओके, तो अगर ये डेल्टा IL डैश जो मुझे मिल रहा है सो उसको अगर मैं फाइंड करूँ लेट से, हमारा पहला जो रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू थी RL, अब जो है मुझे मिल रही है RL प्लस डेल्टा R। सो हम प्रीवियस वैल्यू को अगर न्यू वैल्यू में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें चेंज इन रेजिस्टेंस मिलेगा, वो होगा हमारा डेल्टा R। ठीक है, सेम तरीके से अब जो न्यू करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू है IL डैश और जो ओल्ड करंट था उसकी वैल्यू थी IL। सो उसमें जो डिफरेंस आएगा उसको अगर मैं बोलूँगा डेल्टा I। सो ये डेल्टा आई कितना होगा ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले जो कंपेंसेशन थ्योरम बोल रहा है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम इसको फाइंड करें तो डेल्टा आई की वैल्यू कितनी रहेगी, तो ये वाले जो रेजिस्टर है उसकी सीरीज में हमें एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करना पड़ेगा दैट इज़ VC, और ये VC की वैल्यू कितनी रहेगी I मल्टीप्लाई बाय डेल्टा R। ओके, अब ये डेल्टा आर की वैल्यू क्या है वो तो हमें पता चलेगा कि भाई सबसे पहले आर एल था, अब आर एल प्लस डेल्टा आर है, उसके ऊपर से हमें डेल्टा आर की वैल्यू मिल जाएगी।
उसको अगर हम i से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें vc की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब vc की वैल्यू अगर हमारे पास है तो डेल्टा i की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो हम क्या करेंगे, vc डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है RL प्लस डेल्टा R प्लस RTh। ओके, सो ये IL की डेल्टा I की वैल्यू क्या आएगी, सो अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली लिखूँ सो डेल्टा I की वैल्यू आएगी VC डिवाइडेड बाय RL प्लस डेल्टा R प्लस RTh। ठीक है, ये आएगी हमारे करंट डेल्टा आई की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पोलारिटी प्लस और माइनस है, सो करंट डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी दिस, बट यहाँ पर करंट की डायरेक्शन अलग है, सो उस वाले केस में ये डेल्टा आई की वैल्यू आएगी नेगेटिव। सो माइनस वी सी डिवाइडेड बाई आर एल प्लस डेल्टा आर प्लस आर टी एच। ओके, और ये वाला है, हम उसको क्या करते हैं, अगर वोल्टेज सोर्स होगा तो हम उसे शॉर्ट सर्किट कर देंगे, अगर करंट सोर्स होगा तो उसको हम ओपन सर्किट कर देंगे। ठीक है, सो कंपेंसेशन थियरम ये कहता है कि अगर हमें डेल्टा आई की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो कितनी रहेगी, तो वो इतनी रहेगी। ठीक है, अब ये वाले जो मैथमेटिकल जो टर्म हमें अभी मिल रही है उसको हम प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स डू दिस। सो इन कंपेंसेशन थ्योरम द सोर्स वोल्टेज इज आई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर अपोज द ओरिजिनल करंट। ओके, सो यहाँ पर आप पोलारिटी देख सकते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस है, सो करंट विल बी फ्लो इन दिस डायरेक्शन दैट विल बी अपोजिंग अवर द डेल्टा आई। ओके, सो द सोर्स वोल्टेज अपोज द ओरिजिनल करंट। सो इन सिंपल वर्ड वी कैन से द कंपेंसेशन थ्योरम कैन बी स्टेटेड एज द रेजिस्टेंस ऑफ एनी नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ वोल्टेज सोर्स हैविंग द सेम वोल्टेज एज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस विच इज रिप्लेस्ड। सो रेसिप्रोसिटी थ्योरम इन शॉर्ट, सॉरी द कंपेंसेशन थ्योरम है वो इन शॉर्ट क्या कह रहा है कि हम जो डेल्टा आर की वैल्यू यहाँ पर ऐड कर रहे हैं उसकी वजह से जो ड्रॉप हो रहा है वो होगा डेल्टा आर इंटू आई। सो उस वोल्टेज ड्रॉप को हम कौन से किन से रिप्लेस कर रहे हैं, और वोल्टेज सोर्स से। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको हम वोल्टेज सोर्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Now this can be also explained in this example. So here we are considering a linear circuit, okay, that is connected with some resistance RL, and due to this the current is flowing in this branch is IL. Okay, अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये RL की वैल्यू है उसे चेंज कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली हम फाइंड करेंगे कि IL की वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, अब ये लीनियर सर्किट है उसकी हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करके रखी है, उसका वोल्टेज की वैल्यू रहेगी VTh और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी RTh। ठीक है, तो सबसे पहले IL की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी हो तो मुझे क्या मिलेगी, सो वो मिलेगी VTh डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, एंड टोटल रेजिस्टेंस इज RTh एंड RL। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मुझे IL की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो वो क्या रहेगी, VTh डिवाइडेड बाय RTh प्लस RL। Now consider that the load resistance RL be now changed to RL plus delta R. It means कि अब मैं RL की वैल्यू है वो चेंज कर रहा हूँ, वो पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है, नेगेटिव चेंज भी हो सकता है, सो डेल्टा आर की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, लेकिन सम चेंज इज गोइंग टू बी हैपन। ओके, सो एट दैट टाइम द न्यू करंट विल बी IL डैश। अब ये IL डैश की वैल्यू क्या है वो हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। सो सबसे पहले अगर हम RL को न्यू वैल्यू से रिप्लेस कर रहे हैं, दैट इज़ RL प्लस डेल्टा R, सो उसकी सर्किट क्या रहेगी, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो ये रहा VTh RTh, तो ये वाली सर्किट हमारी सेम रहेगी, हम क्या कर रहे हैं सिर्फ RL प्लस डेल्टा R से रिप्लेस कर रहे हैं, उस वाले केस में करंट रहेगा IL डैश। अब IL डैश की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं, VTh दैट इज टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज RTh RL प्लस डेल्टा R। सो ये इजीली आप फाइंड कर सकते हैं विथ यूजिंग ओम्स लॉ। ओके, सो अबव सर्किट कैन बी रीड्रॉन बाय रिप्लेसिंग द वोल्टेज सोर्स विथ इट इंटरनल रेजिस्टेंस इज शोन इन द नेक्स्ट फिगर। ठीक है, सो हमें क्या करना होगा, अब इसके लिए हमें फाइंड करना है डेल्टा आई की वैल्यू। ठीक है, अब डेल्टा आई की वैल्यू क्या रहेगी, वो रहेगी हमारा आई एल डैश माइनस आई एल, ये जो वैल्यू मिलेगी वो हमें डेल्टा आई की वैल्यू मिलेगी। अब कंपेंसेशन थ्योरम क्या कहता है, कंपेंसेशन थ्योरम ये कहता है कि हमारा जो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप न्यू हो रहा है, न्यू वोल्टेज ड्रॉप इन द सेंस डेल्टा आर मल्टीप्लाई बाई आई। ठीक है, सबसे पहले आर एल था, अब डेल्टा आर एड हुआ,
सो उसकी वजह से जो ड्रॉप होगा वो होगा डेल्टा आर मल्टीप्लाई बाई वॉट एवर द करंट इज गोइंग टू फ्लो इन दिस ब्रांच. सो ये हो गया हमारा टोटल वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू एडिंग दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस. ओके, सो उस वोल्टेज ड्रॉप को हम क्या करते हैं, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करके उसको यहाँ पर रख देते हैं. ठीक है, और वो वाली सर्किट को हमने यहाँ पर दिखाया है. सो ये VC की वैल्यू क्या रहेगी, वो होगी डेल्टा आर मल्टीप्लाई बाई आई. ठीक है, और यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स होगा उसको हम क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट. करंट सोर्स होगा तो उसको ओपन सर्किट करना होगा. वो वाले केस में डेल्टा आई की वैल्यू क्या फाइंड होगी वो हमने पहले बता दिया है, लेकिन अब हम वो प्रूव करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट से द चेंज इन द करंट दैट विल डेल्टा आई, एंड डेल्टा आई इज नथिंग बट आई डैश मल्टीप्लाई बाई सॉरी आई डैश माइनस आई न्यू वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू. ओके, सो अब आई डैश की वैल्यू हमारे पास है. ओके, सेम वे आई की वैल्यू हमारे पास है. अब आई एल को मैं आई बोल रहा हूँ और आई एल डैश को मैं आई डैश बोल रहा हूँ. ठीक है, बोथ आर द सेम थिंग. सो ये दोनों वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूँ आई डैश, तो ये इक्वेशन मुझे मिल जाएगा. ठीक है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा. ये अब हमारे पास ये आर टी एच और आर टी एच कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, ये आर एल और आर एल कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो. ठीक है, सो ये इक्वेशन आवा हम ये हमारे पास रहेगा. उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं लिखूँ, ये वी टी एच है उसको मैं ये वाले जो टर्म है हमारा उससे डिवाइड करके बाहर निकाल लूँ, तो ये रहेगा माइनस वी टी एच, माइनस साइन यहाँ पर रहेगा, माइनस और डेल्टा आर. ओके, इस डेल्टा आर को माइनस से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो ये डेल्टा आर माइनस डेल्टा आर रहेगा. सो माइनस में बाहर निकाल लेता हूँ ये वी टी एच और आर टी एच प्लस आर एल को बाहर निकाल लेता हूँ वो, तो ये वाला टर्म मुझे मिल जाएगा. रेस्ट क्या बचेगा हमारे पास, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय दिस टर्म. ओके, वो मैंने यहाँ पर लिखा है. ठीक है, इज इट क्लियर. अब वी टी एच डिवाइडेड बाय आर टी एच प्लस आर एल ये क्या है, तो सबसे पहले पुरानी सर्किट में जाते हैं. वी टी एच डिवाइडेड बाई आर टी एच प्लस आर एल इज नथिंग बट योर आई एल ओनली. सो इसको मैं आई भी लिख सकता हूँ. ओके, आई एल इज इक्वल टू आई अगेन एंड आई एल डैश, उसको मैं लिख रहा हूँ अभी आई डैश. सो इसमें कन्फ्यूज मत होना, आई एल इज इक्वल टू आई ओनली. ओके, सो इसकी जगह पर मैं आई लिख सकता हूँ और ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी. ठीक है, बट वी नो दैट वी सी इज नथिंग बट माइनस आई डेल्टा आर. सो ये मैंने आपको पहले बताया था, ये वी सी कुछ नहीं है, जो रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐड हो रहा है उसको अगर मैं करंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसकी डायरेक्शन कैसी रहेंगी, अपोजिट टू द एक्चुअल करंट. सो वी सी की वैल्यू क्या रहेगी, डेल्टा आर मल्टीप्लाई बाई करंट आई. ठीक है, तो ये वाली टर्म आप न्यूमरेटर में देख सकते हैं, वो क्या है, आई इंटू डेल्टा आर. सो आई इंटू डेल्टा आर इज नथिंग बट वी सी, और डिनोमीटर की वैल्यू सेम रहेगी. सो डेल्टा आई की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो वो मुझे मिलेगी ये वोल्टेज वी सी डिवाइडेड बाई जो रेजिस्टेंस है आर एल प्लस डेल्टा आर प्लस आर टी एच, जो मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पर भी बताया था कि ये डेल्टा आई की वैल्यू कितनी रहेगी, वी सी डिवाइडेड बाई आर एल प्लस डेल्टा आर प्लस आर टी एच. ये सेम एक्सप्रेशन को आप यहाँ पर भी देख सकते हो. ठीक है, सो हैंस कंपेंसेशन थियरम टेल्स दैट विथ द चेंज ऑफ ब्रांच रेजिस्टेंस दैट इज आर एल प्लस डेल्टा आर इन दिस केस द ब्रांच करंट चेंज एंड द चेंज इज इक्विवेलेंट टू एन आइडियल कंपेंसेटिंग वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द ब्रांच अपोजिंग द ओरिजिनल करंट. ओके, द डायरेक्शन विल बी अपोजिंग ऑल अदर सोर्स इन द नेटवर्क बीइंग रिप्लेस्ड बाय द देयर इंटरनल रेजिस्टेंस. ओके, सो इफ वोल्टेज सोर्स होगा दैट विल बी शॉर्ट सर्किटेड, इफ करंट सोर्स दैट विल बी ओपन सर्किटेड. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंपेंसेशन थियरम एज वेल एज द रेसिप्रोसिटी थियरम. जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो अब हम न्यू चैप्टर चालू करने वाले हैं. ठीक है, सो विद दिस आई एम क्लोजिंग टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू सो मच.